नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारियां देंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। अयोध्या मामले को लेकर, गैंगरेप मामले को लेकर अवधेश प्रसाद ने अब बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। अवधेश प्रसाद का ये कहना है, जो अयोध्या से सांसद है, कि ये जो कार्रवाई हुई है वो भेदभावपूर्ण है। जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको भेदभावपूर्ण बताया अवधेश प्रसाद ने। कहा कि बुलडोजर केवल कुछ ही जगह चल रहे हैं। संसद सत्र के बाद जब उनसे पूछा गया कि पीड़िता से कब मिलेंगे, तो कहने लगे कि संसद सत्र के बाद पीड़िता से मिलूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और ये भी कहा कि दुष्कर्म तो उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहे हैं, जैसे ये कोई आम मामला हो। सुनिए जरा, ये बुलडोजर चलाने की अगर बात कहो तो ना जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। अभी हरदोई में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, गाजीपुर में दो दो बार हुआ है, और हरदोई में आंख फोड़ दी गई, बलात्कार किया गया। मैं गया था जरूर, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई थी। एक दर्जन से ज्यादा लोग मरे हैं। एक रैदास बिरादरी का था, वो खाद छीटने गया था और धान के खेत में उसको सांप ने या गोटी ने खा लिया। 11 बजे गया और 3 बजे उसकी लाश वहाँ पड़ी रही। गांव में पूरा हाहाकार मचा, मैं वहाँ गया था। तो देखिए, सपा सांसद अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन पर भी कई सवाल खड़े होते, समाजवादी पार्टी पर भी कई सवाल खड़े होते, अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े होते, और रिपब्लिक भारत जो सवाल पूछता है वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या सवाल खड़े होते हैं रिपब्लिक भारत के। सवाल नंबर एक, एक हफ्ते बाद भी पीड़िता से आखिरकार क्यों अवधेश प्रसाद मिलने के लिए नहीं गए? दूसरा सवाल, कि आरोपी मोहित को बचाने में आखिरकार अखिलेश और उनके सांसद क्यों लगे हुए हैं? डीएनए नार्को की मांग, आरोपी पर खुलकर आखिरकार बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? चौथा सवाल ये कि आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, तो पेट में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है? अवधेश प्रसाद को भी आप सुन रहे थे, जो कि लगातार सवाल उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। पांचवा सवाल देखिए, क्या आरोपी मोहित के पास समाजवादी पार्टी के राज छिपे हुए हैं, इसी वजह से कुछ अवधेश प्रसाद नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं, बड़ी जानकारी यह है कि अखिलेश यादव अभी भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, उसी बात पर अड़े हुए हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां अखिलेश यादव अभी भी ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट में समस्या क्या है, क्या परेशानी है। कानून के अनुसार डीएनए टेस्ट करने में 7 साल की सजा वाले केस में डीएनए टेस्ट होता है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव अभी भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं डीएनए टेस्ट वाले बयान पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर, और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें। और हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं लखनऊ से, इसके अलावा हमारे साथ राघवेंद्र और प्रगति अयोध्या से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले अजय, आपके पास हम आ रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार डीएनए टेस्ट का हवाला दे रहे हैं, क्या उन्हें यह पता नहीं है कि इस तरह के दुष्कर्म के मामलों में जो पीड़िता होती है वो मुख्य गवाह होती है और उसकी बात पर ही सारा एक्शन होता है, और यहां कोई एविडेंस की कमी नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराना पड़े? अजय,
आप तो एक लीगल पक्ष रख रही हैं इस तरीके के मामलों में, लीगल प्रोसीडिंग जो होती है कोर्ट में, जो गवाह पेश होते हैं उसका एक मजबूत लीगल जो पक्ष है वो आपने बताया, लेकिन यहाँ मामला लीगल ना होकर पीडीए में केवल एक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सीधे सीधे जो परिवार का पक्ष है उसी पक्ष को अखिलेश यादव ने ले रखा है, उसी पक्ष पर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि तमाम जो निषाद समाज के लोग हैं उनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक ही पक्ष की बात वो क्यों बार बार तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग है डीएनए टेस्ट की वो बात कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी इस मामले में होना ही है, लीगल प्रोसीडिंग में जांच होती है ऐसे मामलों में, लेकिन जो सीधे सीधे वो पक्ष लेकर एक पक्ष को सावगो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर निषाद समाज के लोग भी अखिलेश यादव से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप क्योंकि लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ क्योंकि इस खबर पर अयोध्या से राघवेंद्र और प्रगति भी जुड़े, और प्रगति लगातार आप इस खबर को कवर भी कर रही हैं, आप पीड़िता के घर पर भी पहुंची थी, आपने और लोगों से भी बातचीत की, लेकिन कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एक तो जो सांसद है अवधेश प्रसाद कुछ नहीं कह रहे, उल्टा बुलडोजर कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे, एक बार आप पीड़ितों से मिलकर तो आते, उनको उनके बारे में उनसे जान तो लेते, उनको सुन तो लेते, लेकिन सुना नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल महिमा, अवधेश प्रसाद की बात करें तो अखिलेश यादव उन्हें यहाँ का राजा कहते हैं, लेकिन अपनी प्रजा की चिंता करते हुए ये राजा नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार भी वो भदरसा नहीं पहुंचे, एक बार भी वो पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचे, एक बार भी उन्होंने पीड़िता की माँ से नहीं बात की है, ना अस्पताल जाकर पीड़िता का हालचाल जाना है। वो यहाँ आए तो थे, जिस दिन हम आपको दिखा रहे थे उनके आवाज भी पहुंचे थे, लेकिन वो पीड़िता से मिलने नहीं पहुंचे, उल्टा बचाव करते वो दिखाई दे रहे हैं, मोहित खान का बचाव करते नजर आ रहे हैं जो कि सपा नेता है, राशिद खान का नाम भी इस बीच काफी सुनाई दे रहा है। बुलडोजर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, योगी सरकार एक तरफ जहां कह रही है कि वो पीड़ित परिवार के साथ है, और जनप्रतिनिधि जो मंडल है बीजेपी के डेलीगेट्स हैं वो कल पहुंचे भी थे और बातचीत भी हुई थी, आर्थिक मदद का भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ सपा की बात करें जो हमेशा पीडीए का राग अलापती है, पीडीए उनकी तरफ से हमेशा सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पर वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब जरूरत है, जब वाकई में जरूरत है, तब कहाँ है, तब क्यों पीडीए की बात नहीं हो रही है। वो बच्ची जो कि निषाद समाज से आती है उसकी मदद के लिए सपा का कोई नेता सामने नहीं आया, और क्या किसी नेता की बात करें जो अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी तरफ से डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। हम खुद आर भारत की टीम पहुंची थी, रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़िता की माँ से बात की, जब हमने हालातों को जाना परखा तो हमें समझ में आया कैसे गरीबी की हालत में वो रह रहे हैं, क्या कुछ वहां पे स्थिति बनी हुई है और क्या क्या परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कल भी जब हमने उनसे बात की थी, एक्शन होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई एक जगह हुई है, दूसरी ओर अभी भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो बता रही है जब वो मोहल्ले में मार्केट में बाहर निकल रही है तो उन्हें परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी तक अभी तक उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा जो राशिद खान है जिसका नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है, जो सपा का चेयरमैन बताया जा रहा है, उसकी तरफ से परेशान उन्हें किया जा रहा है। और इन सब सबूतों के बाद भी, क्योंकि एफआईआर की कॉपी भी लगातार सामने आई, जब अस्पताल पहुंचकर राशिद खान के लोगों ने पीड़िता को धमकाने की कोशिश की थी उस दौरान भी एक एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी और क्या सबूत की जरूरत है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रगति, आप सही कह रही हैं, और इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। अवधेश प्रसाद आते भी हैं तो पीड़िता से मुलाकात नहीं करते, मिलने नहीं जाते हैं परिवार से, उनकी तरफ जरा भी संवेदना व्यक्त नहीं की जाती, ये जरूर बार बार कहा जाता है। कोई कहता है नार्को टेस्ट करा लो, कोई कहता है डीएनए टेस्ट करा लो। हमारे साथ राघवेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये अभी तक समाजवादी पार्टी से हम सुन नहीं पाए हैं कि कम से कम जो पद दिया गया था उससे हटा दिया, ये भी हम नहीं सुन पा रहे हैं अभी तक, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? देखिए जी, इस मामले में लखनऊ से अजय और प्रगति खुद ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन मैं एक दूसरे एंगल की ओर ले जाना चाहता हूं, जिधर जाने के लिए अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मजबूर हैं, ये मजबूर होकर के बयान दे रहे हैं और संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अब देखिए, जिला तो अयोध्या है, लेकिन जहाँ की घटना है भदरसा नगर पंचायत, भदरसा में पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आज भदरसा नगर पंचायत की जो आबादी है वह लगभग 60-70% वहां मुस्लिम है और वहां पर 30-35% हिंदू बचे हुए हैं। इन्हीं लोगों के रसूख से मोईद अली और राशिद खान जैसे लोगों के कारण लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या रेप केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी
डेलीगेशन तब वो पहुंचा था, बीजेपी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, शीर्ष नेतृत्व को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी और कमेटी ने दरअसल चार पन्ने की जांच रिपोर्ट सौंपी है। चार पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, डेलीगेशन पहुंचा था और अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, चार पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या इस रिपोर्ट में बताया गया, क्या जानकारी मिल रही है अजय? बिल्कुल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो है निषाद, वो पहुंचे थे यहाँ पर। उनकी बातचीत के दौरान ही जो लड़की की माँ है उसका बयान कि उनकी जान खतरे में है वो सार्वजनिक हुई थी, जहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया था। और अभी जस्ट उनसे बात हुई जो निषाद है राज्यसभा सांसद, वो इस समय सदन में ही मौजूद है। इस मुद्दे को आज सदन में भी उठाएंगे और अपना पक्ष रखते हुए वो जानकारी दे रहे थे कि हमने वहाँ जो कुछ मिला ग्राउंड में, जो कुछ हम ऑब्जर्वेशन किया उसके नोट्स बनाकर, उस पर एक रिपोर्ट बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी है और सदन में भी अब इस मुद्दे को उठाएंगे। तो निश्चित ही बीजेपी इस मामले को, क्योंकि ये निषाद समाज से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ना केवल चुप्पी साधे है बल्कि दूसरे पक्ष के साथ भी खड़ी दिखाई दे रही है, इस मामले को लेकर बैकफुट पर होती दिखाई नहीं दे रही है। इस मामले पर जो निषाद है राज्यसभा सांसद बीजेपी के, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। बिल्कुल।